हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज का राशिफल 19 जून 2021, आज का दिन आपके लिए कैसा जाएगा? 19 जून 2021 शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, आज के दिन हस्त नक्षत्र है, चंद्रमा इस समय कन्या राशि का है आज के दिन, जो कि जो हमारा नक्षत्र हस्त है वो रात के 8:30 बजे तक रहेगा। चंद्रोदय इस समय 1:28 प्रातः दोपहर के समय होगा और हमारा सूर्य उदय 5:23 सुबह होगा और राहु काल इस समय 8:52 से लेकर 10:37 तक रहेगा। जो राहु काल हमारा रहेगा वो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार से रहेगा। जब भी आप राशिफल दे अपना राहु काल देखें तो अपने अपने मोबाइल में, अपने कैलेंडर में, अपने पंचांग में, वो जहां भी जिस देश में रह रहे उस हिसाब से उनका राहु काल लगेगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे इधर राहु काल इतने बजे से है, कई लोग कहते हैं हमारे राहु काल इस देश में इतने बजे से। तो आप अपने देश में, अपने शहर में उस प्रकार से राहु काल को देखें, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइमिंग के साथ राहु काल होता है। उसी प्रकार से राहु काल में कोई भी शुभ कार्य ना करे, जो भी कार्य करे राहु काल के बाद ही करे, क्योंकि राहु काल सबसे बुरा, सबसे भयानक, सबसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अब मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं 19 जून 2021 का राशिफल। आज के दिन आपके लिए क्या महत्वपूर्ण बातें, क्या महत्वपूर्ण विशेषता लाए, तो इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें। मैं कुछ महत्वपूर्ण तत्व, कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको आज बताने जा रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए आज का शुभ फलदायक समय रहेगा, धन संपन्न रहेगा, कोई बड़ा धन लाभ आपको आज प्राप्त हो सकता है। खर्च में थोड़ा नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता, आज आपका खर्च अधिक बढ़ सकता है, आपको खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है, पत्नी से वाद विवाद आज के दिन हो सकता है। दैनिक आय आपकी आज बढ़ सकती है, कोई ना कोई लघु यात्रा, कोई बड़ी यात्रा आपकी आज हो सकती है, तो आप कोई भी धार्मिक कार्य आज अवश्य करें। आज आपके धार्मिक कार्य करने से आपके मन में जो एक अशांति है वो आज दूर होगी। आपका जो कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा है वो आज के दिन आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत है। बड़ा धन लाभ आपको इस समय अवश्य होगा। खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आपकी आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको। संतान पक्ष के लिए आज का दिन शुभ फलदायक साबित होगा। संतान अगर आज परीक्षा दे रही है या कोई नया बिजनेस या नई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही है, तो आज उनके लिए शुभ फलदायक समय रहेगा। 19 जून 2021 का शनिवार का दिन आज आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। आज आप एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो योजना आप बहुत अधिक समय से संतान के पक्ष के लिए, अपने पक्ष के लिए, अपने भाग्य के लिए बना रहे थे, वो कई वर्षों से, कई समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी, आज के दिन 19 जून 2021 को, आज के दिन शनिवार के दिन आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण विषयों के साथ, आज महत्वपूर्ण सुबह से लेकर शाम तक आज आपको कार्य ही क्षेत्र में ही रहना पड़ सकता है। आज आपको थकावट भर महसूस हो सकती है, आज आप कार्य अधिक करेंगे किंतु आप मेहनत परिश्रम तो अधिक करेंगे किंतु आपको उसका फल आपको नहीं मिल पाएगा। बड़े भाई बहनों से बात बात उत्पन्न हो सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सुख समृद्धि में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है, मानसिक शांति आज के दिन बनी रखती है, इसलिए आपको आज के दिन थोड़ा सा अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है। जो भी करे सोच समझ के करे, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, सोच समझ के निर्णय ले। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कलापूर्ण तरीके से रहेगा, आप मनोरंजन स्थल पर जा सकते हैं, आज आपका छुट्टी भरा दिन रहेगा, आज आप कहीं मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, पारिवारिक जीवन के साथ सुख पूर्ण वातावरण महसूस करेंगे। परिवार के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, भाई बहनों से के साथ आप समय व्यतीत करेंगे, और जो पुराने मित्र हैं उनसे आज मुलाकात होगी और उनके साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे, जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके लिए आज थोड़ा सा तनावपूर्ण दिन रहेगा, उनके लिए आज जो मिलने के अवसर है वो आज मिलने के अवसर आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे और तनावपूर्ण कोई ना कोई बात आज के दिन आपको हो सकता है। शत्रुओं से आपको आज के दिन थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शत्रु ही आपके प्रेम संबंध में, आपके करियर संबंध में परेशानी आपको उपलब्ध करा सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन शुभ फलदायक समय है। अगर आपने शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ इन सब में पैसा लगाया है तो आज के दिन आपकी लॉटरी, आज के दिन आपकी लॉटरी लगने के पूर्ण संकेत आपको प्राप्त होगा। आज आपको अनावश्यक धन लाभ होगा, लाभ ही लाभ होगा आज के दिन। भाग्य उन्नति का आज का दिन आपका रहेगा, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ जो होगी जो भविष्य में जाके आपके भविष्य के लिए भाग्य का एक कारण बनेगी। आपके जो कार्य क्षेत्र में जो परेशानी अधिक समय से चल रही थी, आपके व्यापार में जो परेशानी चल रही थी, आज के दिन वो समाप्त होगी। किसी पे भी बिना सोचे समझे आज भरोसा ना करें, सोच समझ के ही विश्वास करें, क्योंकि आज आपको कोई ना कोई बड़ा छोटा आपके व्यापार में ही कोई आपको ठग सकता है, उस बात से आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आप माता के साथ समय व्यतीत करेंगे, शाम के समय माता के साथ कहीं बाहर घूमने आप
जा सकते हैं। थोड़ा सा खर्च पर नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा खर्च भी आपका बाहर जाने से हो सकता है, किंतु कोई उसमें चिंताकारक विषय नहीं है, क्योंकि खर्च होगा उतना ही आपको आज लाभ भी प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मनोरंजक पूर्ण रहेगा, कहीं बाहर घूमने जाने के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में एक शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, कहीं बाहर बड़े स्थल पे पुराने मित्रों के साथ आप घूमने अवश्य जा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा शत्रुओं से बाधा, थोड़े शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे, शत्रुओं से आपको सावधान रहे। मामा से वाद विवाद आज के दिन हो सकता है, आज कोई भी ठंडी चीज ना खाए, आज आपको शीत कप खा स्वास्थ्य में परेशानी रह सकती है, स्वास्थ्य संबंधित आपको अधिक परेशानी रहेगी, उसमें आपको थोड़े ध्यान रखने की आवश्यकता, खान पान में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपको कहीं बाहर जाने का आज योग प्राप्त हो तो आप किंतु नहीं जाए, जाए तो किसी और के साथ जाए, गाड़ी चलाकर आप ना जाए, आज आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस है। आज कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन, छोटी हो कि बड़ी हो, आज आप ना चलाए। तुला राशि वालों, आज आपके लिए शुभ फलदायक समय रहेगा, कोई ना कोई जो एक मानसिक अशांति आपके कई समय से चल रही थी वो आज के दिन आपकी दूर होगी। आप जो भाग्य के लिए जो आप अभी तक सोच रहे थे, जिसका निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, जो मन में जो असंतुष्टि थी, जो संतुष्टि आपको प्राप्त नहीं हुई थी, वो आज के दिन आपको प्राप्त होगी। सुख समृद्धि का समय रहेगा, नए वाहन नई गाड़ी खरीदने के आज योग आपको प्राप्त हो सकते हैं। करियर संबंधित जो परेशानी जो बहुत अधिक समय से चल रही थी वो आज के दिन दूर होगी। व्यापार में कोई बड़ा लाभ आपको होगा। जॉब संबंधित इनको आज प्रमोशन के बॉस से आपके आज मधुर संबंध बनने के पूर्ण योग आपको प्राप्त होंगे। जो मेहनत परिश्रम किया है, जिसका फल, जिसकी आपको तारीफ, जिसकी आपको इंटरेस्ट, जिसका आपको प्रॉफिट आज तक नहीं मिल पाया, वो आज आपको तुला राशि वालों को आज के दिन प्राप्त होगा। परिवार के साथ आप शाम के समय समय व्यतीत करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका पैर कभी नहीं रुकता, जिनके पास कार्य तो होते हैं किंतु कभी किसी को हिसाब नहीं दे पाते, कहते तो है कि बिजी है किंतु आज तक उसका हिसाब नहीं दे पाए, बिजी रहेंगे दिन भर किंतु ये बता नहीं पाएंगे कि हमने क्या कार्य किया, बिजी तो रहते हैं पर किंतु बता नहीं पाते कि हमने क्या कार्य किया है, हिसाब नहीं दे पाते, इसी वजह से आज आपको थोड़ा सा कार्य में व्यस्त रहने का माहौल बन सकता है। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से बिजी रहेंगे। जॉब वाले आज जॉब से सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ अपने कैरियर में, अपने कार्य क्षेत्र में ही बिजी रहेंगे। बिजनेस वालों को आज बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलेगी आज बिजनेस में, क्योंकि आज आपको बड़ा धन लाभ इस समय प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा, बड़ा धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ कार्य आपके बन सकता है। भविष्य में जो भाग्य के लिए जो समय आने वाला था वो आज के दिन आपका 19 जून 2021 को आ चुका है। भाग्य के लिए कोई बड़ी योजना आज के दिन आपकी बनेगी, कोई बड़ा धन लाभ आपको होगा। भाइयों को आपके सहयोग की आवश्यकता बढ़ेगी, इसलिए आप उनका सहयोग, उनको सहयोग देंगे, महत्वपूर्ण भूमिका आज आप उनके जीवन में निभाएंगे। आज आप उनके लिए ऐसा कुछ कर जाएंगे जिनसे भविष्य में आप उनके लिए बहुत बड़े योगदान आपका साबित होगा। आपके लिए आज पिता से थोड़े वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, आज के दिन पिता से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। पिता से कोई ना कोई बात या बातों में ही कुछ आप ऐसा बोल दें जिनसे उन निराशापूर्ण वातावरण बन जाए, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। धनु राशि वालों के लिए करियर क्षेत्र में थोड़ी परेशानी इस समय उठानी पड़ सकती है। जो जॉब करते हैं आज उनके लिए परेशानी का समय है। आज के दिन जॉब में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न होगी, या तो बॉस आपके नाराज होगी, या तो आपके सीनियर आपके नाराज होंगे। आज आपका दिलो दिमाग, आपका पूरा मन काम में नहीं लगेगा, आपका कहीं ना कहीं कहीं और मन लगेगा। आप सोच समझ के हर चीज में निर्णय लेते हैं किंतु आज सोच समझ के निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपको ऐसा निर्णय लेंगे जिससे भविष्य में आपको परेशानी उठानी पड़े। आज के दिन थोड़ा पत्नी से भी बात बात आपके हो सकता है। प्रेम संबंध में कोई ना कोई तनावपूर्ण वातावरण, कोई ना कोई ऐसी स्त्री आपके प्रेम संबंध में नुकसान पहुंचा सकती है, कोई ना कोई ऐसी बाधा पहुंचा सकती है जिससे आपको भविष्य में अपने व्यक्तित्व जीवन को लेकर चिंताकारक विषय बन जाए। धन में थोड़ी सी आज निराशापूर्ण समय रहेगा, आज आपका धन अधिक खर्च होगा, धन बचेगा नहीं। अगर आपने कर्ज लेके रखा हुआ है तो आज आपका वो कर्ज और बढ़ जाएगा, कोई ना कोई कारणवश से आपका कर्ज आज अधिक बढ़ जाएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है, पारिवारिक जीवन से थोड़ा शांतिपूर्ण वातावरण के साथ ही रहे। ससुराल पक्ष वाले आपके शत्रु बन सकते हैं, ससुराल वाले आपको कोई ना कोई कष्ट पहुंचाने का प्रयत्न कर सकते हैं। आज जो आप मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, तभी कार्य करें, आज उसका परिश्रम आपको प्राप्त नहीं होगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक साबित होगा, आज उनको कहीं बड़े विदेश जाने के लिए कोई ऐसा योग प्राप्त हो सकता है कि आप विदेश जाए, जो आप सोच रहे हैं बहुत अधिक समय से, वो कार्य आपका आज पूर्ण होगा। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामले चल रहे हैं आज के दिन आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत है। आज के दिन अगर आप कोई परीक्षा विद्यार्थी है तो अगर कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज आपके लिए शुभ फलदायक समय रहेगा। नया जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके लिए शुभ फलदायक समय आज का रहेगा। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो बिजनेस बहुत अधिक समय से आपने सोच के रखा हुआ, आज के दिन वो बिजनेस आप
उसकी नींव रखेंगे, जिससे आगे भविष्य में जाने वाला वो बिजनेस बड़ा आकार लेगा, जिससे आपको भविष्य में जाने वाले बड़े लाभ बड़े कार्य आपको प्राप्त हो सकेंगे। थोड़ा सा संतान पक्ष के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, संतान के लिए चिंताकारक दिन आज का आपका बना रह सकता, मकर राशि वालों के संतान के लिए थोड़ा चिंताकारक विषय बना रह सकता है, संतान से कोई ना कोई आपको परेशानी उठानी पड़ जाए, संतान की वजह से आपको थोड़ी सी मानसिक तनाव इस समय रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा उस पर संतान के लिए ज्यादा अधिक सोच आपकी आज के दिन बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन सबसे तनावपूर्ण रहेगा, मन में जो एक शांति थी वो आज के दिन खत्म हो जाएगी, मन में एक अशांति आज फैली रहेगी, जो कोर्ट कचहरी संबंधित केस चल रहे थे वो आज आपके पक्ष में आएगी, कोई ना कोई आपको बाधा कोई ना कोई आपको क्षति पहुंचाने के पूर्ण प्रयत्न करेगा, आज इस समय खान पीन में आपको थोड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता, पेट संबंधित कोई ना कोई इस समय आपको परेशानी हो सकती है, ऐसा कोई रोग हो जाए जो डॉक्टर के भी पकड़ में ना, ऐसा कोई रोग आपको आज के दिन हो सकता है, चोट चपेट से आपको आज के दिन सावधान रहना है, गाड़ी चलाए तो सोच समझ कर, लोहा चीज से अगर आप जॉब करते तो आज आपके लिए पूर्ण से तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, अगर आप कोई कंप्यूटर का कार्य करते हैं या कोई लोहा संबंधी या होटल में कार्य करते हैं तो आज आपके दिन थोड़ा सा हानिकारक समय रहेगा, कोई ना कोई आपके हाथों से ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी वजह से आपको अधिक धन खर्च हो जाए, जिसकी वजह से आपका धन व्यर्थ में खर्च हो जाए, आपका खर्च आज अधिक बढ़ जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों के लिए आज कहीं आपका बाहर जाने का बाहर कहीं घूमने जाने का योग बन रहा है, कहीं धार्मिक स्थल पे आप आज के दिन घूमने जाएंगे, बड़े भाइयों का आपको पूर्ण आज सहयोग प्राप्त होगा, भाइयों के साथ आज का आपका दिन व्यतीत करेंगे, पुराने मित्रों से आज के दिन आपकी मुलाकात होगी, पैर संबंधित कोई ना कोई थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, चल फिर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोर्ट कचहरी संबंधित कोई मामला चल रहा था वो आज आपके पक्ष में आने के पूर्ण संकेत है, जो मेहनत परिश्रम आपने बहुत अधिक समय से किया उसका परिश्रम उसका फल आपको आज तक प्राप्त नहीं हुआ, अपन आज के दिन आपको 19 जून 2021 को शनिवार के दिन मीन राशि वालों को आज के दिन वो फल प्राप्त होगा, आज के दिन आपको धन भी प्राप्त होगा, पर धन आपको जो प्राप्त होगा वो शेयर मार्केट सट्टा बाजार जुआ से ही प्राप्त होगा, अच्छे कार्यों से प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस समय कोई आपका मित्र ही आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, जो इन कार्यों से आपके पास धन इस समय मिलेगा, माता के साथ इस समय अधिक समय व्यतीत करेंगे, आज के दिन नई वाहन नई गाड़ी नए मकान का योजनाएं बन सकती है जो आप भविष्य में अवश्य लेंगे, आज के दिन जो भी योजना बने वो भविष्य में जाके पूर्ण रूप से एक आकार लेगी और वो आपके भविष्य में निर्मित होगी। आज मैंने आप सभी को बताया कि आज का राशिफल 19 जून 2021 शनिवार का दिन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, आज के दिन आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें क्या क्या महत्वपूर्ण विचार क्या क्या महत्वपूर्ण विषय लेकर मैंने आप सभी को आज इस वीडियो में बताया। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मैंने साप्ताहिक राशिफल डेली राशिफल मासिक राशिफल और ज्योतिष सिखाने का भी मैंने ये प्रण लिया है कि मैं आप सभी को ज्योतिष सिखाऊंगा, नई नई चीजें नए नए विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ये चैनल एस्ट्रो विशाल मैंने आप सभी के जन कल्याण के लिए आपकी समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है कि उनको अपना मार्गदर्शन सभी की समस्याओं का समाधान हो पाए, उनका मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त हो पाए। तो किसी को भी कोई भी सुझाव या कोई भी विचार हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उस विचार पर पूरा विमर्श करके आपको फलस्वरूप पूरा विचार विमर्श करके पूरे समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त कराऊंगा। धन्यवाद।